भारतीय बैंकों से करीब 13,500 करोड़ रुपए लूटकर फरार चल रहे अरबपति हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी पर चिकसिकंजा कसता जा रहा है। मेहुल चौकसी करेबियाई देश डोमिनिका के एक अस्पताल में भर्ती है और उसके भारत प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मेहुल चौकसी को एक अन्य करेबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता प्राप्त है। इस देश में वह अपनी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका के साथ ऐश कर रहा था। एंटीगा और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के मुताबिक चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर कराने या अच्छा वक्त बिताने के लिए यार्ड के जरिए पड़ोसी देश डोमिनिका गया था। वहीं पर इसे धर लिया गया। मेहुल को पकड़े जाने के बाद अब उसकी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका भी लापता हो गई है। कैरेबियाई मीडिया के मुताबिक बबारा जराबिका एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सलाहकार है और उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। चौकसी के वकीलों का कहना है कि मेहुल का एंटीगा और भारतीय एजेंसियों की ओर से अपहरण किया गया है। एंटीगा के चौकसी के वकीलों का कहना है कि उनके मुवक्किल 23 मई को अपनी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका से मुलाकात करने वाले थे। इसी दौरान जाली हर्बर इलाके से एंटीगा पुलिस और भारतीय अधिकारियों ने उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि बबारा जराबिका और मेहुल चौकसी की मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वह जब रिश्ता जा रहा था उसी दौरान हीरा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया। वकीलों ने दावा किया मेहुल और बबारा दोनों ही पिछले एक साल से दोस्ती में थे और अक्सर एंटीगा और बारबुडा के आसपास मिलते रहते थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि मेहुल और बबारा जराबिका के बीच बिजनेस दोस्ती या किसी निवेश से संबंधित रिश्ता था या नहीं। मेहुल चौकसी की हॉट गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका एक बेहद आलिशान जिंदगी जीती है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलता है कि वह लग्जरी यार्ट के जरिए समुद्र की लहरों पर मौज करती रहती है। उसने बुडापेस्ट के एक महंगे होटल में रुकने की भी तस्वीर डाल रखी है। एक अन्य तस्वीर में बबारा जराबिका हेलीकॉप्टर में बैठे दिखाई दे रही है। बबारा जराबिका खुद को ट्रेवल, बिजनेस और स्पोर्ट्स की शौकीन बताती है। एंटीगा न्यूज रूम के मुताबिक ब्राउन ने यह भी कहा कि डोमिनिका की सरकार उसे भारत को प्रत्यर्पित कर सकती है क्योंकि वह एक भारतीय नागरिक है। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिल रही है कि मेहुल चौकसी शायद अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर कराने या अच्छा वक्त बिताने डोमिनिका गया और वहीं उसे पकड़ लिया गया। डोमिनिका से चौकसी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके हाथों पर खरोच के निशान हैं। चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धनराशि का कथित तौर पर गबन किया था। नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है और वह भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। वहीं चौकसी ने वर्ष 2017 में एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता ली थी। इसके बाद वह भारत से फरार हो गया। यह घोटाला सामने आने के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।